नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मेरा नाम है सनी वर्मा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोबरा कमांडो फोर्स के बारे में। कनेक्ट हो जाइए दोस्तों जल्दी से। स्वागत है आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, शाबाश। कैसे हैं सभी? कैसा गया संडे? बढ़िया। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी की बात करते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोस्तों जहां पर आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको पूरे इंडिया में टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है और पढ़ाई करनी शुरू कर देनी है। प्लस सब्सक्रिप्शन के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको कम्फर्ट मिलेगा घर बैठे पढ़ाई करने का। ठीक है जी, आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है, घर बैठे आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सारा का सारा सिलेबस कवर होगा, आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा। टॉप एजुकेटर्स आपको मदद करेंगे आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में। कैसे? वो सारा का सारा सिलेबस कवर करवाएंगे, उसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लेंगे आपके, लाइव टेस्ट सीरीज भी लेंगे आपके, और पर्सनल लेवल पर आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी दोस्तों, शाबाश, गॉड ब्लेस यू दोस्तों। ठीक है जी, तो टॉप एजुकेटर्स के अंदर सबसे पहले अर्पित चौधरी सर, आपके एनडीए कैटेगरी के अंदर इनका प्रोफाइल चेक कर लीजिए। वहाँ पर आप फ्लेक्सिबल तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स की ड्यूरेशन एंड द टाइमिंग चेक कर लीजिए क्लासेस की। रामस्वरूप जैनी सर आपको फिजिक्स में मदद करेंगे और इनके साथ आपको दूसरे एजुकेटर्स के साथ साथ मयंक चतुर्वेदी सर भी आपको मदद करेंगे मैथ्स के अंदर, राइट। चलिए तो दोस्तों, आपने प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेनी है तो उसकी ड्यूरेशन और उसकी प्राइसिंग मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर ड्यूरेशन एक महीने से लेकर दो साल तक है। फॉर एग्जांपल अगर आप वन ईयर कोर्स लेते हैं तो उसकी प्राइसिंग रहेगी 8,000 रुपीज़। यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। कैसे? एक सिंपल सा रेफरल कोड है, उसको याद कर लीजिए एंड उसे ही एंटर करना है आपने इन कैपिटल लेटर्स एंड विदाउट स्पेस, टीम अर्पित। इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रीशेड्यूल हो गया है आपका प्राइसिंग पेज, वो 7,200 के अंदर कन्वर्ट हो गया 8,000 की जगह। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अगर आपने पढ़ाई करनी है, घर बैठे पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोगों ने अपने फ़ोन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेनी है एंड पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। इसी के साथ जो आज का टॉपिक है, उसके लिए आप एक्साइटेड तो लग रहे हैं आप फटाफट। हाँ बहुत बढ़िया है, काफ़ी बच्चे आ गए हैं। लेकिन आते ही आप देखते हैं कि सबसे पहले आप हाफ सेंचुरी कैसे मारते हैं। हैं, एक बार मुझे दिखा दीजिए हाफ सेंचुरी कितनी जल्दी, आप लोग कितने अच्छे हैं हाफ सेंचुरी लगाने में। शाबाश, फटाफट से हाफ सेंचुरी, फिर सेंचुरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले ही हाफ सेंचुरी प्लीज़। मास्टर ब्लास्टर जल्दी से, शाबाश दोस्तों। अरे इंद्रजीत सिंह, ओके, हाँ जी, हाफ सेंचुरी प्लीज़, फटाफट पहले हाफ सेंचुरी कंप्लीट करो यार, प्लीज़ फटाफट। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, 5 रन रह गए, फटाफट से हाफ सेंचुरी फटाफट। हाँ जी, अरे यार ऐसे कैसे यार। दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत तरीके के वॉरफेयर हैं, जंगल वॉरफेयर, आपका डेजर्ट वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी, रेकनेसांस। तो स्पेशली रेकनेसांस क्या एक तरीका होता है लड़ाई करने का, आपको एक एरिया के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब उसको उसका सर्वे करना पड़ता है, उसकी स्टडी करनी पड़ती है। सो डैट, थैंक यू सो मच, हो गए दोस्तों हाफ सेंचुरी, यस। और फिर आप उस एरिया के अंदर अपने तरीके से वॉरफेयर करते हैं, रेकनेसांस। ठीक है, उसके लिए सीआरपीएफ का एक स्पेशल कमांडो फोर्स है जिसका नाम है कोबरा। कोबरा को अगर हम उसको थोड़ा लेंथ उसकी बढ़ा देते हैं तो कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, इसकी ही शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो हम बोलते हैं कोबरा, राइट वन। चलिए, तो कोबरा इज अ स्पेशल ऑपरेशन यूनिट, स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ऑफ द सीआरपीएफ ऑफ द इंडियन प्रोफिशिएंट इन द गोरिल्ला टैक्टिक्स एंड द जंगल वॉरफेयर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आते हैं। ठीक है जी, इनके जो हायर पर्सनल्स होते हैं वो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। रिक्रूटिंग
इनकी होती है CAPF एग्ज़ाम से, ठीक है, हाँ, और SSC से भी आपको अगर सबॉर्डिनेट्स रैंक्स पे जाना है तो SSC, ठीक है जी। ये तो ही बात, कोबरा इज रैंक्ड अमंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल लॉ एनफोर्समेंट यूनिट, जो कि बनाई गई थी नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए और उन्हें उस नक्सलिज्म की जो प्रॉब्लम है उसको इरेडिकेट करने के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक बार नज़र डाल लीजिए यूनिफॉर्म के ऊपर, एंड पूरा देख रहे हैं आप जंगल वॉरफेयर और नक्सलिज्म, जो रेड कॉरिडोर है, रेड कॉरिडोर। उसकी प्रॉब्लम से तो आप अच्छे खासे वाकिफ भी होंगे, आपने सुना भी होगा, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो एक बार मैं आपको रेड कॉरिडोर दिखा देता हूँ सबसे पहले, सो डैट आप लोग अवेयर हो जाएं कि हम बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अच्छा ये दिखाया नहीं है, इसको भी मैं रेड में करूँगा पहले। हाँ जी, एक सेकंड दोस्तों, हैं बहुत बढ़िया, चलिए ये भी पूरा रेड कॉरिडोर है भाई, ठीक है। अब ये नक्सलिज्म की जो प्रॉब्लम है वो भी अब आप समझ जाइए कि लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन की होती है ना, और लेफ्टिस्ट का अच्छा खासा दबदबा रहता है मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया हो चाहे आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दबदबा तो इनका रहता है, तो चीज़ें मैन्युपुलेट तो अच्छी खासी होती है। तो दिस वन इज़ द रेड कॉरिडोर, और यहाँ पर है नक्सलिज्म, ठीक है जी। और नक्सलिज्म की अगर हम बात करें तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 तो देखा ही है ना, उसके अंदर पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा होता था, उसके साथ साथ अगर हमने आर्म्ड रेबेलियन भी ऐड कर दिया तो पूरा ये इसके साथ मेल खाता है, ठीक है। तो दुश्मन को निपटने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड द नेवी, स्पेशल फोर्सेस हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर आर्म्ड रेबेलियन इंटरनल इंडिया के अंदर, उनसे निपटने के लिए वी हैव दी CAPF। CAPF घसीटती कम मारती ज़्यादा, या मारती कम घसीटती ज़्यादा, दोनों में नुकसान बहुत होता है, ठीक है। हाँ, तो वो करती है अच्छे से, तबीयत से घसीट घसीट के मारते हैं। हाँ चलिए, ठीक है जी। चलिए एक बार मैं इसका लोगो दिखाता हूँ आपको, एंड द इंसिग्निया इज जंगल वॉरफेयर द कोबरा, राइट, बहुत बढ़िया। इनका मोटो संग्राम में पराक्रमी चाय, जिसका मतलब होता है विक्ट्री फॉर गैलेंट इन वॉर। अरे चाइना इन्वॉल्व होता है, माओवादी तो चाइना से तो आया है, जो PRC है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो क्या है, माओवादी या माओइस्ट या माओइज्म प्रिंसिपल्स के ऊपर ही तो बनाई गई है। और लेफ्टिस्ट क्या है, वो यही तो है, मतलब फार लेफ्ट, इट मींस सोशलिज्म की हद, हाइट ऑफ द सोशलिज्म इज लेफ्ट, काम मतलब नहीं करना, सैलरी चाहिए लेकिन सरकारी खाते से, वो है आपका सोशलिज्म। परफॉर्मेंस नहीं देनी, ऐसी की तैसी में जाए कंट्री की डेवलपमेंट, लेकिन सैलरी चाहिए भैया, और सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो बैठ जाएंगे हम स्ट्राइक के ऊपर, वो उसका हाइट, फार लेफ्ट, समझ गए। अच्छा है ना, आप समझाया। हाँ, तो किस जुरिडिक्शन में आता है, प्राइमरी गवर्निंग बॉडी है आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ठीक है जी। स्ट्रक्चर कैसा है, हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली में है, एक्टिव पर्सनल 10,000 है, एजेंसी एग्जीक्यूटिव फिलहाल DG इज द अनंत प्रकाश महेश्वरी,
नोट डाउन कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ, पेरेंट एजेंसी CRPF, डायरेक्टर जनरल इज अनंत प्रकाश महेश्वरी ऑफ द CRPF, ठीक है जी। नोटेबल पर्सनैलिटीज़ की अगर हम बात करें, विजय कुमार, दुर्गा प्रसाद एंड NC अस्थाना सभी IPS ऑफिसर्स। इन एनिवर्सरी होती है 12 सितंबर 2008 में बनाया गया था, यस, लाल सलाम को थप्पड़ मारने के लिए, बहुत बढ़िया। किस फोर्स क्यों बनाई गई थी? 2009 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज प्रूव्ड द रेजिंग ऑफ 10 कोबरा बटालियंस, ठीक है, टू मीट द चैलेंजेस बींग पोज बाय द नक्सलाइट्स। और नक्सल का मतलब होता है, मतलब कुछ आतंकवादी, कुछ अनपढ़ जाहिल लोगों को हथियार दे दिए, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने, उन्होंने बोला कि यार तुम्हें नौकरी मिलनी चाहिए, तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? लेकिन नौकरी तो मिलती है आपकी काबिलियत के दम पर ना, नौकरी तो आपकी काबिलियत के दम पर मिलती है, इसलिए तो एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन अब 135 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है, उसमें से मान लीजिए कि 50 लाख, मैं कहता हूँ कि चलिए छोड़िए 50 लाख भी, 25 लाख लोग एक ही साथ एप्लीकेशन दे देंगे, तो 25 के 25 लाख लोगों को थोड़ी नौकरी पे रख लेंगे सैलरी के ऊपर, वो भी ऑफिसर रैंक पे, उसके लिए तो एग्ज़ाम होता है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की आपने बात सुनी है। अब कुछ लोग पढ़े लिखे पहुंच गए कुर्ते पजामे में तंबाकू खाकर और बोलने लगे कि तुम्हें तो अधिकार मिलने चाहिए, तुम्हें तो तुम्हारे कुछ राइट्स हैं, तुम ऐसे कैसे रह सकते हो यहाँ पर, तुम्हें काम करो, ये हथियार पकड़ो और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ, और उनको एक रेड टी शर्ट पहना दी, बोला लाल सलाम, ठीक है। अब वो करने लगे प्रॉब्लम, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। अब वो भैया मार रहे हैं, गाड़ियां जा रही उनको उड़ा रहे हैं, माफिया खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि खत्म फिनिश वाली सिचुएशन उन्होंने कर दी खड़ी। अब उनको काउंटर करने के लिए कोबरा कमांडोज बनाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका रेकनेसेंस वारफेयर के अंदर इनकी स्पेशलिटी होती है। रेकनेसेंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ वन एरिया मिलिट्री के आस्पेक्ट से, तो वही करते हैं कोबरा कमांडोस। जंगल में जाना है फॉर एग्जांपल, अगर छत्तीसगढ़ में जाना है या झारखंड में आपके डेंस फॉरेस्ट के अंदर, तो अच्छे से वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ पर फ्लोरा एंड फोना, उसके साथ साथ रूट्स, वहाँ का हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर सब अच्छे से पढ़ के, ताकि कोई बेगुनाह ना मारा जाए, किसी वहाँ के कल्चर को खतरा ना हो, वहाँ के ट्राइबल एरियाज़ को कोई खतरा ना हो, और जो दंगाई हैं, है ना, जो कोई उपद्रवी हैं योगी जी की जुबान में मैं बोल रहा हूँ, उनको पकड़ें और बंद कर दें, ठीक है जी। इनके लिए बनाए गए थे। अब अपने में बहुत बड़ा टास्क है ये, किसी एरिया को स्टडी करना, रीड करना काफ़ी टाइम जाता है, अपने आप की आइडेंटिटी को छोड़कर किसी और की तरह रहना बहुत बड़ा टास्क है दोस्तों ये। नहीं, शुभम गुप्ता भी मैंने नहीं देखा यार, मैं भूल गया था, सॉरी, ठीक है जी। चलिए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2008 से इरेक्ट करना स्टार्ट किया थे, 10 यूनिट्स अब तक कोबरा की बना चुके हैं, ठीक है जी। और नक्सल इंसर्जेंट्स को ख़त्म करना था उन्हीं के कैंप के अंदर घुस के मारने के लिए, ठीक है, इसलिए कोबरा बनाए गए थे। आप किसी को भी हथियार नहीं दे सकते एज अ गिफ्ट और वो फिर आ जाए पब्लिक में शूटिंग करने लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, इंडिया में ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, आप पढ़ो लिखो, समझदार बनो, नौकरी पे जाओ, प्रमोशन लो, उस प्रमोशन के पैसों से घर पर जाकर मिठाई का डब्बा ले जाओ, घर वालों को का मुंह मीठा कराओ, मदर को साड़ी वगैरह खरीद कर दो, उनकी दवाइयों का ध्यान रखो, फादर साहब के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करो, उनको घड़ी वगैरह ला के दो, ये इंडिया में होता है ना, काबिलियत दिखाई जाती है, हथियार के दम पर नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए, ट्रेनिंग, कोबरा बटालियन आर ट्रेन टू अडेप्ट मल्टी टास्किंग स्किल। अब भैया किसी एक्सट्रीम टेरेन में रहना है, किसी
नॉट सो कंड्यूसिव सिचुएशन में रहना है, जहां पर आग नहीं जला सकते, कम्युनिकेशन नहीं है, पानी नहीं है, मोटे मोटे मच्छर हैं। अब वहां पर भैया ट्रेनिंग भी वैसी होती है, हेलो जी हेलो, ठीक है जी। तो कोबरा पर्सनल आर ट्रेंड इन गोरिल्ला वॉरफेयर, फील्ड इंजीनियरिंग, ट्रैकिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स, जंगल सर्वाइवल टेक्निक्स अलोंग विद ऑपरेशन टैक्टिक्स टू फाइट इंसर्जेंट। कितना कुछ करना पड़ता है देखिए, है ना, सिर्फ कुछ किताबें पढ़कर, है ना, लाइब्रेरी के अंदर बैठकर चंद लोगों ने कुछ किताबें पढ़ ली और यहाँ पर बन रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल्स। चलिए, तो दिस इज द गाय जो है एक कोबरा कमांडो, राइट, होलिस्टिक अप्रोच। अब आप ऐसे करोगे बार बार स्पैम, तो इग्नोर ही करना पड़ेगा। मैं इग्नोर ही करता हूँ, मैं डिलीट नहीं करता हूँ, मैं इग्नोर कर देता हूँ। हाँ जी, कोबराज आर ट्रेंड इन CRPF जंगल वॉरफेयर इंस्टीट्यूशन इन बेलगाम एंड दी कोरापट। देयर ट्रेनिंग रिजाइम एंड ड्यूरेशन इज सिमिलर टू डेट ऑफ NSG कमांडो। अब आपने जाननी है ट्रेनिंग ऑफ द NSG कमांडो, तो आपको करना पड़ेगा वेट 2-3 दिन का, क्योंकि NSG एंड SPG इन दोनों के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, राइट। थंबनेल बनने गया हुआ है, वो आएगा, राइट वन। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार सेंचुरी लगा दीजिए, हाफ सेंचुरी में तो आप लोगों ने बहुत जल्दी से कवर ड्राइव वगैरह बहुत बढ़िया मारे, स्ट्रेट ड्राइव वगैरह। एक 10 रन और रह गए हैं, प्लीज एक हो जाए फिर बैटिंग। हाँ बहुत बढ़िया यार। दे आर ट्रेंड टू अडॉप्ट द आर्ट ऑफ कैमोफ्लाज एंड जंगल वॉरफेयर विद मेन फोकस ऑन जंगल वॉरफेयर, ठीक है। उसी के साथ साथ रेकनेसांस टेक्निक्स भी लगानी है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। ऑल द पर्सन आर ट्रेंड फॉर हेलीबॉर्न इंसर्शन एंड ड्रॉप्स, इट मीन्स पैराट्रूपिंग भी होती है ना जी। फायरिंग स्किल जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि जंगल के अंदर बंदा पेड़ पुड़ के पीछे छुप जाता है और आँख से देखता है फिर पेड़ के पीछे से, अब उस आँख पे ही मारना है, ठीक है। तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होलिस्टिक अप्रोच, अगर आप बार बार करेंगे मैसेज तो मुझे मजबूरन आपको करना पड़ेगा ब्लॉक, ठीक है। सो प्लीज, दीपक चौधरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम में फर्क है, नेशनल सिक्योरिटी बॉर्डर एरियाज के लिए और इंटरनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। यहाँ पर कल्चर क्लैश या फिर कोई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज समथिंग एल्स, ठीक है। इंटरनल मैटर्स आर इंटरनल, राइट वन, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम है और होम मिनिस्ट्री के पास भी CAPF के चलते अपना CRPF के चलते कोबरा कमांडोस, ठीक है जी। Their role is to carry out reconnaissance and long-range patrols, gather intelligence on the whereabout of the insurgents and also carry out ambush and precision skills where when required. यार आप लोगों ने कभी सोचा है कि, आपने कभी विश्वरूपम मूवी देखी है, पार्ट वन, उसके अंदर कैसे अपने आप को बिल्कुल आइडेंटिटी चेंज कर दी, जो काम नहीं करने। एक मुखबिर फिल्म अगर आपने देखी है तो वो बहुत ज़बरदस्त है, मुखबिर मूवी देखिए, कि भैया एक स्पाई कैसे काम करता है, ये सारा मैकेनिज्म कैसे चलता है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, जानने को भी मिलेगा। मुखबिर इज़ द नेम ऑफ द मूवी, राइट। एंड ये मतलब हम बोल तो देते हैं कि इंटेलिजेंस गैदरिंग
बट अपने आप में एक टास्क है, घुसना पड़ता है दुश्मन के इलाके में, उसकी जुबान बोलनी पड़ती है, उसकी तरह रहना पड़ता है, जो नहीं खाते वो भी खाना पड़ता है, जो बॉडी चेंज कराना पड़ता है वो भी नहीं करवाते वो भी करवाना पड़ता है। तो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है ये, उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देयर स्नाइपर टीम कैन आल्सो बी यूज्ड टू हेडशॉट की टारगेट्स, पट से एक शॉट, ठीक है, हाँ, उसके अलावा और कुछ नहीं, बस पट से एक शॉट। आफ्टर 3 months ऑफ ट्रेनिंग इन बेलगाम और कोरापट, कोबरा मेंबर्स आर डिप्लॉयड टू देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स टू काउंटर नक्सल एक्टिविटीज। माय डियर फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस गैदरिंग में अपने आप को एनोनिमिटी में रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पर्दे के पीछे, ठीक है। सो या तो आपको कंफर्ट मिलेगा, या तो आपको रिकग्निशन मिलेगा, या तो नेशनल सिक्योरिटी हो सकती है ना, सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, और फैमिलीज भी हैं, है ना, सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, है ना। अंडर कवर बहुत कुछ होता है, बहुत से ऐसे ब्रेव हर्ट हैं जो लगे हुए हैं दिन रात काम पर, ताकि आप, मैं और दूसरे लोग बाजार में जा सके तैयार होके, है ना। बहुत से ऐसे खतरे हैं जो हर रोज आते हैं, और हर रोज उन खतरों को ख़त्म किया जाता है, जस्ट बिकॉज सम पीपल आर नॉट केयरिंग अबाउट देयर लाइव्स, इनफैक्ट दे आर केयर अबाउट द कंट्री, राइट। तो सारी कुछ चीज़ें नहीं हो सकती है। क्या रिजल्ट हुए कोबरा को बनाने के बाद? में 866 सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया, 61 मिलिटेंट्स को पकड़ा गया, ठीक है जी। कोबरा हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड द पर्सनल हैव बीन डेकोरेटेड विद 9 गैलेंट्री मेडल्स इंक्लूडिंग द शौर्य चक्र। कोबरा कमांडो आशीष कुमार तिवारी वाज अवार्डेड शौर्य चक्र फॉर सिंगल हैंडेडली पिनिंग डाउन अ स्क्वाड ऑफ माइस्ट विद रिजल्ट इन द किलिंग ऑफ अ टॉप नक्सल लीडर एंड असिस्टेंट कमांडर आर वी मिश्रा फॉर टेकिंग डाउन अ ग्रुप ऑफ 32 माओइस्ट इन झारखंड। कल्ले बंदे ने घुसकर मारा, बस शौर्य चक्र से उनको डेकोरेट किया गया। और लैंड माइन से उनका एक आर्म भी हर्ट हो गया था, ठीक है जी। सो कोबरा कमांडोस, क्या पूछ रहे हैं आप? बहुत बढ़िया अमित लांबा जी, क्या पूछ रहे हैं बताइए, क्या क्वेश्चन चल रहा है, क्यों झगड़ रहे हो? इवन द एग्जाम, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, रुको जरा, सबर करो, क्यों एकदम से हाइपर हो जाते हो, हैं? जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो तो सुनिए यार। मेजर ऑपरेशंस की बात करो तो गाइज यहाँ पर कुछ नाम मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, सिंगमड़ा दंतेवाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके साथ साथ आपका जगरगुंडा डिस्ट्रिक्ट, दंतेवाड़ा 4 माओइस्ट मारे गए। तो एक लिस्ट है हमारे पास जो कि जंगल वॉरफेयर के अंदर घुसकर, जंगल वॉरफेयर करते हुए नक्सल कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया 2011 से लेकर अब तक, बहुत से ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा चुका है। और नक्सलिज्म के जो टॉप कमांडर्स या फिर जो शैतानी दिमाग थे, खत्म।
बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, झाड़ दिया आपने, बस झाड़ दिया करो। क्योंकि नॉन वायलेंस का ज्ञान भी ना हमें ही दिया गया है, और उस नॉन वायलेंस का ज्ञान देने के बाद से समझ रहे हो ना, उस मतलब हम लोग अपने ऊपर आई हुई चीजों को ही नहीं बोल रहे। अरे हिम्मत नहीं है किसी एक आतंकवादी के घुस के मार दे, वो इसलिए घुस जाते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारा चेंज कर दिया गया है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा बोलकर। अगर उसे पता हो ना कि यहाँ पर घुसेंगे तो आएगा सिंगल पीस, जाएगा 100 पीस में, वो साला आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए आपने झाड़ दिया, मारा, बहुत बढ़िया किया, ठीक है। चित्तौड़गढ़ की तरफ हिम्मत नहीं होती थी अकबर की देखने की, उसको पता था कि उधर को देखेगा पिटके आएगा वो। सबने घुटने टेक दिए उसके आगे, लेकिन एक बंदे ने घुटने नहीं टेके, और उस एक बंदे से परेशान था अकबर, ठीक है। इसलिए अहिंसा परमो धर्मा को भूल जाओ, जो कर रहे हो बिंदास एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं। हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस सारी आती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो CISF, CRPF, SSB, ITBP, BSF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये सभी फोर्सेस आती हैं, ठीक है। आपने इन फोर्सेस के अंदर एक फोर्स देखी होगी, स्पेशल टास्क फोर्स उन्हें बोलते हैं, नीले कलर के कपड़े में आती है, नीली ड्रेस होती है उनकी, है ना, वो अपना बैम्बू का वो उनके पास शील्ड टाइप होता है ना। ओ भाई साहब, बस वो नहीं देखते कौन आ रहा है। उनका एक बार लाठी चार्ज शुरू हो गया, मैंने देखा था, मैं अलीगढ़ में था उस टाइम पे, मैंने देखा था। अरे भाई साहब जबरदस्त। दीज फोर्सेज वर सेट अप टू प्रोटेक्ट द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, जो कि होम मिनिस्ट्री के प्रीव्यू के अंदर आती है। RAF, यस RAF, यस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर CAPF एंड आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इंडियन आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स, ठीक है जी। इनका कंपोनेंट्स भी अलग है और इनके रोल भी अलग है। मेजरली जो CAPF है वो आपके इंटरनल सिक्योरिटी के आते हैं, ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आपके सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आते हैं और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस भी आती हैं, जैसे कि आपके हरियाणा कैडर के, पंजाब कैडर के, राजस्थान कैडर की जो पुलिस होती है, स्टेट की जो पुलिस होती है, वो टू टीयर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड द सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अगर हम इनके हायर ऑफिशियल की बात करें या DSP के ऊपर डेजिग्नेशन की बात करें तो IPS ऑफिसर्स, राइट। चलिए शाबाश, तो गाइज यहाँ पर है लिस्ट मेरे पास जिसके अंदर आते हैं आपके CAPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सहस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, नहीं मैं नहीं पिटा था, अरे नहीं नहीं हम पिटने वाली पार्टी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए हाँ जी, अगर मैं बात करूं हायरार्की की, सो ऊपर आएंगे आपके
कमांडेंट एंड सेकेंड इन कमांड, डायरेक्टर जनरल, स्पेशल डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डीजी, इंस्पेक्टर जनरल, डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है जी। और आपके मिड हायरार्की के अंदर आएंगे, इट मींस आपके ऑफिसर एंट्री लेवल, वो है आपके डेप्टी कमांडेंट एंड द असिस्टेंट कमांडेंट। डेप्टी कमांडेंट ठीक है, और एंट्री लेवल पे आपके सूबेदार, मेजर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो होगी एसएससी से, यहाँ पर होगी सीएपीएफ से, आपके असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम से, ठीक है, और यहाँ से ही प्रमोशन लेकर लैडर्स ऊपर ऊपर चलते रहेंगे, ठीक है जी। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सिविल डिफेंस, रैपिड एक्शन फोर्स, इंडियन होम गार्ड्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, प्रोविंशियल आर्मी कॉन्स्टेबलरी एंड कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, कोबरा भी इन्हीं के अंदर आती है। इसके अंदर सिविलियंस का ध्यान रखना और नेशनल सिक्योरिटी इंटरनली प्रोटेक्ट करनी है, सो डैट लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स हो सके, माय डियर फ्रेंड्स, लॉ एंड ऑर्डर, राइट। चलिए, ओ यार, चलिए रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूं गाइस, एग्जाम होता है ग्रेजुएशन के बाद सीएपीएफ का, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, नोटिफिकेशन निकलती है, आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस तो आपके सामने होने चाहिए ना। हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन तो यार बढ़ती जा रही है, देखिए इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते, हिंदुस्तान के अंदर हर साल कोई ना कोई ग्रेजुएट हो रहा है, और एक स्ट्रीम से नहीं, हर एक स्ट्रीम से हो रहे हैं, हैं, और रेस तो लंबी होती जा रही है तो आपके सामने ऑप्शंस होने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए और आपको ट्राई भी करना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स एसएससी के एग्जाम से, नोटिफिकेशन जब निकलता है एसएससी का, तो आपके सबॉर्डिनेट लेवल के ऊपर उसकी भर्तियां होती हैं। अगर सीएपीएफ की बात करें, ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें, तो एग्ज़ाम की डेट निकलती है, नोटिफिकेशन निकलता है, उसका आपको आपको फॉर्म फिल करना होता है, देन आपके पास एडमिट कार्ड आता है। एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, पेपर वन जिसके अंदर क्वांट्स और आपकी रीजनिंग, पेपर टू जिसके अंदर जीएस, प्रेसिस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। हाँ बिल्कुल होता है, अरे यार ऐसे कैसे, बिल्कुल होएगा, ठीक है, ऐसे राइटिंग वगैरह होगी, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि एक डीसीपी या एसएसपी से ज़्यादा पावर होती है असिस्टेंट कमांडेंट और उनके ऊपर जो भी डेजिग्नेशंस हैं। अगर आप आईजी भी बनेंगे तो आपको रेड कारपेट वेलकम नहीं मिलेगा, है, लेकिन रेड कारपेट वेलकम मिलता है आपके सीएएसएफ एग्ज़ाम के बाद, वाकई ज़्यादा पावर होती है, अपने आप में एक बहुत ही रुतबे वाली जॉब है। ठीक है जी, हाँ, ओनली रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर एलिजिबल टू अपियर फॉर द यूपीएससी, जो कि सीएपीएफ एग्जाम होता है, और फिर आप बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीएपीएफ के हेड बन सकते हैं, अगर आपने टाइम से ट्राई किया और टाइम से आप लोगों का सिलेक्शन हो गया। ठीक है जी, नॉन गैजेटेड पोजीशंस के लिए होता है आपका एसएससी, उसके लिए आपको चाहिए 19 से लेकर 25 साल की एज, और ग्रेजुएशन से लेकर के 27 इयर्स तक आपको चाहिए कमीशन्ड, राइट वन, ठीक है, हो गया। अरे लड़की मैंने दिखाई थी आपको,
मैंने गर्ल आपको दिखाई थी पहली पिक में ही, उसको देखते ही आपको समझ जाना चाहिए था, ठीक है जी। हाँ हाँ CAPF होता है ना श्रेयांश उमाले, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए उसके लिए, और मैक्सिमम 27 इयर्स तक आप ट्राई कर सकते हैं। पेपर बहुत ही इजी होता है, बहुत इजी होता है। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उसका 30% एग्ज़ाम, इट मीन्स CDS लेवल का नहीं, मतलब कि राइटिंग होती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो 30% आता है, इजी उस लेवल में बोल रहा हूँ, ठीक है। यस, जनरल नॉलेज के लेवल से 30% ऑफ दी सिविल सर्विसेज एग्जाम, 30%, डेट्स इट। और रीजनिंग वगैरह तो आप कर ही लेंगे, रीजनिंग तो वैसे ही आसान होती है, थोड़ा बहुत क्वांट्स के ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। और कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर भी थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन मेक इट सीरियसली। बहुत बढ़िया होता है यार, SSC का नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, आपको डेट मिल जाएगी ऑनलाइन, इफ़ यू कैन चेक, आपको डेट मिल जाएगी कि नेक्स्ट कब होगा, ठीक है। और CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का नोटिफिकेशन भी आप चेक करेंगे, यू कैन इजिली सेट द रिमाइंडर अपकमिंग नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है जी। अरे जबरदस्त होता है, बहुत जबरदस्त। ये था दोस्तों आपके लिए कोबरा। आने वाले सेशंस में मैं आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी नॉलेज लेता आऊँगा। आप लोगों ने अब 150 रन की पारी खेलनी है मेरे जाने से पहले, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग मिलेंगे, इन्हीं एग्जाम्स की हम तैयारी करेंगे, ठीक है। 30 MCQs डिस्कस करेंगे। हाँ जी विजिबल है, एवरीथिंग इज विजिबल। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, एंड आई सी यू लेटर, बाय बाय।